राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेजों में शुरू हुए दाखिले। राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू हो चुकी है। प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी 9 अगस्त से 19 अगस्त रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस साल CBSE और RBSE का परिणाम 99% से ज्यादा रहा है, ऐसे में प्रवेश की कट ऑफ भी ज्यादा रहने की संभावना है। इस साल ऑनलाइन आवेदन के समय विद्यार्थियों को 10वीं की मार्कशीट लाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही अगर किसी विद्यार्थी के 12वीं में समान अंक हो तो 10वीं के अंकों को वरीयता दी जाएगी। अगर किसी मामले में 10वीं के अंक भी समान हो तो फिर विद्यार्थियों को जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। 19 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 अगस्त तक सभी कॉलेजों की ओर से पहली सूची जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चारों संगठक राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज में करीब 7000 सीटों पर प्रवेश होना है। इस बार बिना परीक्षा के ही पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 12वीं के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया था। इसके चलते जयपुर में ही 1,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। ऐसे में इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के चारों संगठक कॉलेज में प्रवेश की कट ऑफ बहुत ज्यादा होने की संभावना है। शिक्षा से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।